इमरान खान लगातार दावा कर रहे थे कि विदेशी ताकतें उनकी सरकार गिराना चाहती हैं। अब इसी बीच इमरान खान ने पहली बार उस अमेरिकी राजनयिक का खुलकर नाम ले लिया है जो उनके खिलाफ कथित तौर पर षड्यंत्र में शामिल है। अब इमरान खान ने इसी अमेरिकी अधिकारी का नाम क्यों लिया और इसके क्या नतीजे उन्हें भुगतने पड़ेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इमरान खान लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके पास सबूत के तौर पर एक चिट्ठी है। आपको बता दें कि इमरान खान ने अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू को इन सब के पीछे बताया है। उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड लू ने विपक्ष के साथ मिलकर साजिश रची और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को गिराने की कोशिश भी की। आपको जानकारी दे दें कि डोनाल्ड लू अमेरिकी राजनयिक हैं। वो 2021 से दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के उप विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। डोनाल्ड लू भारत और पाकिस्तान में काम कर चुके हैं और दोनों ही देशों की राजनीति पर उनकी अच्छी पकड़ है। आपको बता दें कि डोनाल्ड लू ने भारत में लंबी कूटनीतिक पारी खेली है। साल 2000 से 2013 के बीच वो भारत में अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रहे थे। आपको ये भी जानकारी दे दे कि पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इमरान खान के इस दावे को बेबुनियाद कहा है। इमरान खान लगातार अपने बयानों में अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं और अब तो वो अमेरिकी अधिकारियों का नाम लेने से भी नहीं डर रहे। इमरान खान के इन बयानों के चलते पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी सबके सामने आकर अमेरिका पर एक बयान जारी करना पड़ा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं और आगे भी रहेंगे। एक तरफ इमरान खान बार बार अमेरिका का नाम लेकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं तो वहीं पाकिस्तान की सेना भी लगातार अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले कुछ महीने पाकिस्तान के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं क्योंकि देश के आंतरिक हालात तो वैसे भी खराब हैं और अब तो अमेरिका भी इस मौके की तलाश में है कि कब वो इमरान खान को सबक सिखाए।